हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, फाउंडर्स नंबर। मॉर्निंग में एक फाउंडर का मेरे पास मैसेज आता कि सूरज जी, फाउंडर्स के नंबर में एक नंबर बढ़ गया है। यानी कि जब हम बैक ऑफिस को लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर जो हमें फाउंडर्स का नंबर दिखाई देता है, तो उसमें एक नंबर इस टाइम पर, आज इस टाइम पर बढ़ गया है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही एक प्रॉब्लम हुई थी कुछ दिन पहले, मे बी आई थिंक 3-4 दिन पहले ये प्रॉब्लम हुई थी, एंड वो ऑटोमेटिक ओके हो गया था। मैंने सपोर्ट को टिकट भी रेस किया था, तो उसने बताया था ये एक जस्ट टेक्निकल इशू है डेटा ट्रांसफरिंग के दौरान, क्योंकि यहाँ पर ofounders.net का जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है OBS में, क्योंकि OBS में हमारा ofounders का आइकन ऐड हो चुका है, तो उसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा शिफ्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें के दौरान कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे फाउंडर का एक नंबर इंक्रीज हो गया, तो वो ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा कुछ ही देर में, ठीक है ना फ्रेंड, कुछ ही टाइम में वो ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर कुछ और भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि कुछ ही फाउंडर को यहाँ पे 500 ओके का भी प्रॉब्लम आता है, कुछ फाउंडर को लॉगिन आफ्टर 10 मिनट ये भी एक प्रॉब्लम आता है, और भी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं लॉगिन के रिगार्डिंग, या फिर आपके लॉगिन भी आपका अकाउंट हो जाता है तो उसमें मे बी किसी का यहाँ पे इनवाइस का कुछ दिक्कत आ रहा हो, किसी का कोई भी दिक्कत है इस टाइम पे बैक ऑफिस के रिगार्डिंग फ्रेंड, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। जैसे ही हमारा ट्रांसफरिंग का शिफ्टिंग का काम खत्म होता है तो ये ऑटोमेटिकली सारा काम ओके हो जाएगा। आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑन पैसिव के डेटाबेस में है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मैंने टिकट रेस किया था सपोर्ट को, तो सपोर्ट का रिप्लाई आया था, और मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि हर महीने में आप जो ज़्यादातर एप्लीकेशन को यूज करते हो, जैसे कि क्रोम हो गया, जीमेल एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन को आप हर महीने अपडेट करते रहो, अपने क्रोम ब्राउज़र के कुकीज़ वगैरह को आप क्लीन करते रहो, ठीक है ना, डेटा को आप क्लियर करते रहो, आपका जो फ़ोन का हिस्ट्री है, जो डेटा है, यानी कि जो गार्बेज वगैरह चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को आप डिलीट करते रहो, अपना फ़ोन हमेशा खाली करके रखो, अपना जीमेल एप्लीकेशन को आप अपडेट करते रहो, क्रोम को अपडेट करते रहो, यूट्यूब वगैरह को अपडेट करते रहो, है ना, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आप डेली यूज़ करते हो, तो हर एक एप्लीकेशन को आप अपडेट करते रहो, अपने जीमेल एप्लीकेशन के आप फालतू के मैसेजेस को आप डिलीट करते रहो, तो ये सारी चीज़ें आप करते रहो। एंड ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है कि आपका जो फ़ोन होता है एंड जो भी सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेट के रिगार्डिंग, वो आपका सही से चलता है। एंड इसके बाद एक पॉइंट आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, फिजिकल इवेंट के रिगार्डिंग यस्टरडे 360 के वेबिनार में रेड मार्टी एंड क्रिस सर ने भी इसके ऊपर बात किया है, एंड हमारे गुस्मिंदर ढीलन सर भी हर एक वेबिनार में, पिछले कुछ वेबिनार में वो बताते आ रहे हैं, एंड ढीलन सर का एक पोस्ट भी आया है फिजिकल इवेंट की रिगार्डिंग, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितने भी लोग हमारे लीडर्स हैं जो इवेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपनी का जो जूम प्लेटफॉर्म है 20,000 की जो कैपेसिटी है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो अपने इवेंट के लिए, तो सबसे पहले उसके लिए आपको एज सर की परमिशन लेनी होगी, देन वो कंपनी का जूम प्लेटफॉर्म आप अपने इवेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे इवेंट के लिए हो या आपके पर्सनल वेबिनार के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कंपनी का जूम प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हो, सो डेफिनेटली उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी कंपनी से, यानी कि एस प्रोफेसर से, देन उसके बाद आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपना पर्सनल इवेंट कर रहे हो, वेबिनार कर रहे हो, सो डेफिनेटली आप पर्सनल जूम के जरिए, पर्सनल यूट्यूब के जरिए आप लाइव करो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। एंड एक पॉइंट यहाँ पर और कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आज सर बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं ऑन पैसिव के प्रोसेस को लेकर, वो सारी चीज़ें जो रेडी हो चुकी हैं वो सारी चीज़ें हमको देने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं लगातार। तो कोई भी फाउंडर इवेंट्स की रिगार्डिंग या किसी अदर चीज़ों की रिगार्डिंग प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें उनको, यानी कि आई सर को, कंपनी को अपना काम करने दीजिए। एंड हमें अगर इवेंट करना है सो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी के जो रूल रेगुलेशन, जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडेंस कंपनी ने दे रखी है, जो हमारे लीडर्स बताते रहते हैं कि आप इस प्रकार से इवेंट करो, एंड हमारे बहुत अच्छे इवेंट हो भी चुके हैं, जैसे कि मुंबई का इवेंट हो गया, दिल्ली का हो गया, पाकिस्तान का भी हो गया, काफ़ी अच्छे ये इवेंट हो चुके हैं। तो इन इवेंट के जैसे, यानी कि अगर आप कोई भी इवेंट करते हो, कोई भी आप मीटिंग करते हो, सो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल वे में कीजिए, हर एक चीज़ को आप ध्यान में रखिए,
उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप कोई भी इवेंट कर सकते हो, पर्सनल मीटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव को यानी कि ए सर को ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। एंड हम यहाँ पे फाउंडर हैं, हम कस्टमर नहीं हैं कि हम बार बार अपने सीईओ को या फिर सपोर्ट को डिस्टर्ब करेंगे। हम यहाँ पे फाउंडर हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जो हम अपने तरफ से कर सकते हैं डेफिनेटली हम करते रहें। ऑन पैसिव को जो करना है, ऐसा को जो करना है, उनको करने दीजिए। एंड इसके बाद एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ऑन पैसिव के साथ इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं जिसका शायद आपने, शायद हम लोग डेली हम सोचते भी रहते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। सो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आने वाली हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहिए, बैक ऑफिस आप रेगुलर चेक करते रहिए, जो हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार होते हैं उसको भी आप देखते रहिए, क्योंकि आपको यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहिए। एंड यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हो ऐसा का वेबिनार है। सो टाइम याद रखिएगा, इंडियन टाइम के हिसाब से आज शाम को 9:30 बजे ये वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। सो वेबिनार स्टार्ट होने का जो टाइम है उससे कुछ टाइम पहले आप इंटर हो जाना। शायद आप अगर इसके बाद अगर आप करोगे तो आई थिंक आप इंटर कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि कैपेसिटी फुल हो चुकी होगी। सो आज शाम का कॉर्पोरेट वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सभी को मिल सकती है। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि ऑन पैसिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इंगेज रहो, बहुत अच्छी चीज़ें हम सभी के सामने आने वाली हैं फ्रेंड्स।